मैं डांस मतलब जोधपुर में सीखता था, मेरे 3-4 साल बाद मतलब तू आई। तुम्हें याद है जब मैं पहली बार तुम्हें मिला था हॉल में? हेड ज्वाइन किया, पर्सनैलिटी वैसी है ना तेरी की थोड़ा एटीट्यूड में अपने में रहती है, एकदम से भाव नहीं देती तो और मुझे लगा कितना एटीट्यूड शो कर रही है। जब तू एज अ डांस टीचर जब तू जॉब करती थी तेरे स्कूल में किया ना, साड़ी पहन के जाना था तेरे को। तुम एक मुस्टंडे के साथ डांस कर रही थी, वो मुस्टंडा सलमान भाई है। तेरे पास स्कूटी नहीं थी और मतलब तूने मेरे से जस्ट पूछा था, मैं घर मेरा बहुत दूर था तेरे से, पर मैंने फिर भी मैंने बोला मैं आ जाऊंगा अर्ली मॉर्निंग लेने। मैंने सलमान भाई को देखा, सलमान भाई एज यूजुअल फुल ऑन प्रोटीन लो कार्ब्स। तो मेरे को लेने नहीं आना था, मेरे को ना छोड़ने जाना था, मेरे को सिर्फ देखना आना था कि तू साड़ी में कैसे लगती है। तो मैंने सलमान भाई को देखा, फिर अपने आप को देखा, फिर ऐसा लगता ना सेल्फ डाउट कि हम थी। ठीक है हम सही हैं, हमारे को ये हेलो करेगी वापस कि नहीं करेगी, लेकिन मानना पड़ेगा लड़की ने एक भी बार हेलो नहीं किया। अच्छी लग रही थी मैं बहुत है ना चोमू दिखता था। फिर पहला सीजन हुआ, इसने हार नहीं मानी, एकदम चटकीले कपड़े, एकदम नैरो बॉटम वाली लोअर, वो भी घर पे सिली हुई, लेकिन ये हार गई। दूसरा सीजन हुआ लोअर, तो मतलब मेरे को धीरे धीरे सेंस आने लगा नहीं यार थोड़ा अपने आप को मेंटेन रखना है। इसने हार नहीं मानी लेकिन तेरे को ले जाते इसलिए होता कि शॉपिंग में कि तू चूज कर ले मेरे कपड़े, ताकि मतलब एक इस। तीसरा सीजन हुआ, चौथा सीजन हुआ, पांचवा सीजन हुआ, छठे सीजन में भी की पसंद रहे मेरे पर्सनालिटी में, मतलब मेरे को नहीं पता मैं उसे वैसा ही पा रहा हूँ, वैसा ही प्यार कर रहा हूँ जैसा मैं पहले सीजन से करता आ रहा हूँ। ये इन फ्यूचर कहाँ जा रहा है फ्रेंडशिप, लेकिन मेरे को ये पता है पर मैं हार नहीं मानूंगा। राघव मैं बोल रहा हूँ मैं हार नहीं मानूंगा। मैं हारी नहीं हूँ क्योंकि तू मुझे पसंद करता है ना, तो मैं हारी नहीं सकता।